ओमज्ञान तिमिरंधस्व ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीते नामिने। नमस्ते शारिषते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने वलभद्र सुभद्राव्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबको फिर से जगन्नाथ मेडिटेशन में स्वागत है। और हम लास्ट दो सेशन में चर्चा करे हैं जगन्नाथ जी की दर्शन की महिमा, और दूसरा सेशन में हम चर्चा करे थे जगन्नाथ जी की जो भक्त हैं उनका, जगन्नाथ जी का भक्त वत्सलता, जगन्नाथ जी कितना कृपालु है उनके ऊपर हम चर्चा करे थे जगन्नाथ जी की महिमा। तो आज भी इसी तरह से जगन्नाथ जी की और एक महिमा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसका नाम है, हम देखेंगे इस लीला से जगन्नाथ जी की जीभ किस तरह से कट गया था। आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी जो जीभ है वो एक बार कट गया था। सबको मन में प्रश्न आ सकते हैं कैसे काटा कैसे काटा। हाँ, ये जानने के लिए आपको ये पूरा सेशन सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे किस तरह से जगन्नाथ जी की जीभ कट गया था। ये आश्चर्य की बात है कि हम तो कभी जगन्नाथ जी जीभ नहीं देखे। कोई देखे यहाँ जो भक्त लोग सुन रहे हैं? कोई नहीं देखे। क्यों? हम सब जगन्नाथ जी को जानते कैसे? पूरा बड़े बड़े आंखें, फेस बड़े हैं, हाथ अंदर घुसा हुआ है ना, इसी तरह से देखे जगन्नाथ जी। जीव देखे कोई नहीं देखे। तो बहुत पुराना बात है, बहुत पहले जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति रहते थे, उनके नाम थे अर्जुन मिश्र। तो अर्जुन मिश्र नाम से एक भक्त है जगन्नाथ जी की, बहुत ही एक समर्पित भक्त है। तो वो क्या करते थे, वो रहते थे जगन्नाथपुरी में, और हर दिन ये जो अर्जुन मिश्र है वो क्या करते थे, हर दिन अर्जुन मिश्र भगवत गीता की अध्ययन करते। भगवत गीता किंचित दीथा गंगा जल लव कनिका पिता। शास्त्रों में कहते हैं कोई अगर थोड़ा सा भी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा भगवत गीता के अध्ययन करते हैं, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, उस व्यक्ति जब शरीर त्याग करते हैं, त्याग करने के बाद यमराज के साथ उनका मुलाकात कभी नहीं होता है। तो ये भगवत गीता की पढ़ने का महत्व, कोई अगर थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ता है। तो यहाँ तो अर्जुन मिश्र हर दिन पूरा भगवत गीता पढ़ते थे, पूरा भगवत गीता के अध्ययन करते थे। और भगवत गीता का मतलब क्या है, जो गीता, गीता मतलब होता है गान, भगवत मतलब होता है भगवान। जो गान भगवान द्वारा गाया गया है उसको कहते हैं भगवत गीता। भगवत गीता स्वयं भगवान की मुखोनिश्रित वाणी है, भगवान स्वयं ये वाक्य बोले हैं सारे। तो इसलिए भगवत गीता इतना इंपॉर्टेंट है। और भगवत गीता जो व्यक्ति समझ जाता है उस व्यक्ति को कभी इस संसार में रहते हुए दुख की महसूस नहीं होता है। इस ग्रंथ तो सिखाता है किस तरह से यहाँ जीना चाहिए हमको, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, किस तरह से हम आसपास में चलते हुए भी किस तरह से निराशक्त रह सकता है। असल में अगर कोई व्यक्ति जीना चाहते हैं, अगर कोई कहता ना आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ रियल आर्ट ऑफ लिविंग इज स्टडिंग भगवत गीता। इफ यू, अगर आप भगवत गीता स्टडी करते हैं देन आप सचमुच समझ जाएंगे किस तरह से जीना चाहिए, हाउ टू लीड आवर लाइफ। क्योंकि कोई भी चीज बनाने के समय उसका एक मैनुअल बुक होता है। मोबाइल ले लीजिए आप लैपटॉप कंप्यूटर जो भी ले लीजिए, सब चीज के साथ एक उसका एक मैनुअल आता है। इसी तरह से मनुष्य शरीर जब भगवान ने बनाया है तो उसके साथ एक मैनुअल बुक भी दिया है, उसके नाम है भगवत गीता।
तो ये भगवद गीता जो अर्जुन मिश्र है वो हर दिन पढ़ते थे, हर दिन पूरा भगवद गीता के अध्ययन करते थे। और आप जानते, जब आप एक काम बहुत ज्यादा करते हैं तो लोग आपको उसी नाम से जाना जाते हैं, है क्या नहीं? तो लोग वहां जगन्नाथपुरी में उनको गीता पांडा नाम से जानने लगे। सब अर्जुन मिश्र नाम से नहीं पुकारते थे, सब बोलते थे गीता पांडा, गीता पांडा, गीता पांडा। और वो सारे चीज के लिए श्री जगन्नाथ जी के पास पूर्ण रूप से समर्पित है। भगवान भी भगवद गीता में क्या कहते हैं, इस भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप भगवान की पति शरणागति होंगे। भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान के सारे धर्म का त्याग कर कर तू मेरे शरण ग्रहण कर। तो इसी तरह से अगर कोई भगवद गीता पढ़ते तो उसका मन में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति शरणागति आ जाती है। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान भगवद गीता में कहते चार प्रकार के लोग मेरे भजन करते हैं। भक्त्या माम जानाति, भगवद गीता में भगवान वो भी कहते हैं भक्त तो एकमात्र मुझे जान सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या देखते हैं, भगवद गीता पढ़ने के माध्यम से जो गीता पांडा है, अर्जुन मिश्र है, उनकी मन में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति आ गया। किसी और एक शिक्षा ले सकते हैं, अगर आप अपना जीवन में भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति चाहते तो भगवद गीता डेली पढ़िए। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता एज इट इज लिखे तो उसको पढ़िए आप, तो आप देखेंगे आज नहीं तो कल आप भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाएंगे। और सरंग शरणागति होई वे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। हमारा प्रार्थना क्यों भगवान नहीं सुनते, क्योंकि हमारा शरणागति नहीं। और भगवान किसकी प्रार्थना सुनते हैं, जिसकी शरणागति है। तो सरंग शरणागति होई वे जहार, जिनका शरणागति आ जाएगा, जिनका अंदर तहार प्रार्थना सुने, उनका ही प्रार्थना कौन सुनेंगे, श्री नंद कुमार। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, श्री नंद कुमार है। तो श्री नंद कुमार, श्री नंद कुमार क्या करेंगे, वो प्रार्थना सुनते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो गीता पांडा है वो कभी भी, उनका जीवन में कुछ भी चीज आ जाए वो कभी इफेक्ट नहीं होते थे। क्यों नहीं इफेक्ट होते थे, क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ते थे हर दिन। और भगवत गीता में दूसरा अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मत्रा स्पर्शात स्तु कुंते यशी तृष्ण सुख दुखदा आगम पैन निताताम तितिक्ष पवार। अरे ये सारे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जिस तरह से ठंडी आते हैं और उसके बाद ठंडी चले भी जाती है और उसके बाद गर्मी भी आ जाता है, जो गर्मी हमको ठंडी के समय अच्छा लगते हैं उसी गर्मी गर्मी के दिन बुरा लगते हैं। सो ये चीज कब व्यक्ति समझ सकते हैं, तभी तो समझ सकते हैं जब वो हर दिन भगवद गीता के अध्ययन करते। तो गीता पांडा जो अर्जुन मिश्र, वो इफेक्ट इसलिए नहीं होते थे क्योंकि हर दिन भगवद गीता के अध्ययन करते थे। तो लेकिन आप जानते हैं कलयुग में ब्राह्मण के प्रति अभिशाप है, जो हमेशा गरीब रहेंगे। हर ब्राह्मण की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मण लोग गरीब रहेंगे, उनके अभिशाप है कलयुग में। तो अर्जुन मिश्रा भी इससे व्यतिक्रम नहीं, वो भी गरीब थे, इतना ही गरीब है। उनको अगर आज बेगिंग मतलब भीख मांगने के लिए नहीं जाए, भिक्षा लेने के लिए नहीं जाए, तो उनको भूखा रहना पड़ता। तो इतना ही मतलब गरीब है। अब सोचे जिस तरह से हम जानते हैं श्रीमद भागवतम से सुधामा विप्र के बारे में, वो भी इसी तरह से, उनका भी जीवन इस तरह से था। तो एक बार क्या हुआ, जगन्नाथपुरी में बहुत तेजी से बारिश हो रहा था, और भी कई दिन तक, 4-5 दिन तक बारिश हो रहा। और बारिश होने के कारण से, अब देखिए जब बारिश होता है तो आप बाहर जा नहीं सकते। वो अभी बोलेंगे नहीं, हम गाड़ी से जा सकते हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम गीता पंडा की बात कर रहे हैं, अर्जुन मिश्र की बात कर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए चीज नहीं, उनके पास अम्ब्रेला थोड़ी ना रहेगा, ना गाड़ी रहेगा, है क्या नहीं? तो अर्जुन मिश्र घर से निकल नहीं पा रहे थे, और बहुत हैवी रेन हो रहा था। ऐसा नहीं थोड़ा 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 बहुत बारिश हो रहा था और बाहर जा सकते, बाहर जा ही नहीं सकते, इतना जोर से, इतना इसको क्या कहते हैं, हैवी रेनिंग हो रहा। और अर्जुन मिश्र की उधर पत्नी अर्जुन मिश्र को कह रहा है, अच्छा आप एक काम करो, जाओ तो बाहर, क्योंकि खाने का कुछ नहीं है। इधर बच्चे जो उनका फैमिली है वो भूखा है, और बच्चे लोग आप जानते हैं, ये सारे बच्चे लोग आकर मम्मी को पूछ रहे हैं, मम्मी हमको खाना है ना? तो मम्मी क्या करते थे, एक
उसको जो पट होता है रसोई करने का, उसको चूल्हे पर बिठा देते हैं, उसके बाद ऐसे ही मतलब एक्टिंग करते थे जो कुछ रसोई हो रहा है, उसके बाद रसोई नहीं करते थे क्योंकि कुछ नहीं है। और अर्जुन मिश्र को उनका पत्नी कहते हैं, गीता पांडा जिनको ना, गीता पांडा के नाम से, तो बोलते आप जाओ कुछ जाकर कुछ लेके आओ, और वो भगवत गीता पढ़ रहे थे पूरा दिन और भगवत गीता पढ़ रहे, और वो खुश थे मन मन में, बोले बारिश हो रहा है कितना अच्छा मौका मिला है मुझे भगवत गीता पढ़ने का। कई बार ऐसे भक्त लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी अभी हमको कुछ दिनों का छुट्टी मिल गया, हम क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए। बोलते भाई छुट्टी मिल गया, पढ़ो कितना सारा किताब है प्रभुपाद जी के, ये सारे ग्रंथों के अध्ययन करने का समय मिला है हमें, ये सौभाग्य है। जैसे शिक्षाष्टकम प्रभु कहते हैं, कहते प्रभु को जब कुछ दिन के लिए प्रभु जब नौकरी से आना चाहते थे, तो प्रभु को बोले कुछ दिन आपको हम देखेंगे, ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं, तो वहां फ्री है प्रभु। प्रभु बोले थे तभी तो मैं बहुत अच्छा से आचार्य जी की कमेंट्री के साथ भागवतम पढ़ रहा था। तो इससे हम समझ सकते हैं भक्तों को पास अगर समय मिलता है, सो वह समय किसमें लगाते हो, भगवान की वाणी को अध्ययन करने में, भगवान की कथा सुनने में, क्योंकि श्रीमद् भागवत में कहते हैं आयुर हरति वै पुंसाम उद्दन अस्तंचन अशोक तस्यार्थ यत्सन नित उत्तम श्लोक वार्तया। अरे प्रभु अगर हम समय इस तरह से बिताते जाएंगे, तो जिस तरह से सूरज उठते हैं और सूरज अस्त हो जाते हैं, इसी तरह से हमारा उम्र भी कम होते जाता है। क्यों, हम जब पूछते किसी को तो बोलते हाउ ओल्ड आर यू, कितना साल के बुढ़े हो चुके हो आप। तो हर दिन हमारा जो सनराइज और सनसेट के साथ हमारा उम्र कम होते जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की उम्र कम नहीं होता है, वो है उत्तम श्लोक वार्तया, जो भगवान की वाणी को, वाणी प्रचार करने में, भगवान की वाणी सुनने में, भगवान की वाणी पढ़ने में अपने समय को बिताते हैं। अरे ये जो बाहर हैवी रेन हो रहा था, ये दुर्योग नहीं है, कहते ना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कैलामिटी इन आवर लाइफ, कोई अगर पूछे तो बोले भाई साइक्लोन आ जाना, तूफान आ जाना, ये कैलामिटी है। चाणक्य पंडित कहते ये नहीं कैलामिटी, कैलामिटी ये है जिस दिन हम हरि की भक्ति नहीं कर पाए। तो यहाँ हम देखते हैं जो गीता पांडा है, उनके मन में ये चिंता नहीं हो रहा था, यार इतना बारिश हो रहा है अभी कैसे बच्चे लोगों को क्या करेंगे, कैसे पत्नी को हम पत्नी की बात सुनना पड़ रहा है, तो इस तरह से वो नहीं सोच रहे थे। वो क्या सोच रहे थे, अभी मुझे मौका मिला है भगवत गीता और अच्छे से पढ़ने का। तो भक्त तो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं, तो अगर इसलिए कहते हैं चैतन्य भागवत में, कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम, उनका कोई कामना ही नहीं है इसलिए शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त बड़ोई चालाक, कृष्ण भक्त क्या है, बड़े चालाक है। चालाक क्यों बताया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कब कैसे और कहाँ पर हमारा समय को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से गीता पांडा वो घर पर ही थे, तो इस तरह से पत्नी एक बार बोले, दो बार बोले, तीन बार बोले, उसको गुस्सा हो गया और बोले आप ये क्या कर रहे हो, आपको मैं बोल रही हूं आप बाहर जाओ जाकर कुछ लेके आओ, बच्चे लोग रो रहे हैं, मुझे उन लोगों के लिए कुछ कुकिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उन लोगों को खिलाना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहे थे, उनका तीन संतान थे और तीनों बच्चे भी रो रहे हैं, उधर पत्नी भी गुस्सा है, लेकिन आप जानते हैं गीता पंडा उससे भी इफेक्ट नहीं हुई। आप बोलेंगे हाँ तो भगवत गीता शायद हमको इमोशन लेस बना लेते हैं, बना देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, भगवत गीता आपको सिचुएशन के साथ डील करना सिखा देते हैं, इस परिस्थिति में आप किस तरह से डील कर सकते हैं, उसके साथ आप किस तरह से जी सकते हैं उसको लेकर वो सिखा देते हैं, नहीं आपको पैनिक नहीं बना देते। देखिए देखिए यहाँ इमोशनल होना और पैनिक होना दो अलग चीज है। विदाउट भगवत गीता हम सो कॉल्ड इमोशनल बनकर पैनिक हो जाते हैं और वो सिचुएशन को हम संभाल नहीं पाते और बिगाड़ देते हैं, लेकिन भगवत गीता के अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम इमोशन लेस नहीं होते, इमोशंस रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होते हैं, उनके अंदर पैनिक जो सिचुएशन है उसको संभालने का शक्ति आ जाते। तो गीता पांडा भी हमको लगा रहे कितना मतलब केयरलेस है, केयरलेस नहीं है प्रभु, ही वॉज नॉट केयरलेस, बट ही नोज द फैक्ट, उनका फैक्ट पता था,
तो वो हमेशा पत्नी आके बार बार पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी, तो वो एक श्लोक उनको सुनाई सुनाए कौन सा श्लोक सुनाए आप सब जानते हैं, अनश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपाशते तेषां नित्य अभियुक्तानां, लास्ट लाइन है योगक्षेम भाम्यः। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, मैं मेरे भक्तों की जो भार है वहन करता हूँ, मतलब उनके पास जो नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ, लेके आता हूँ मैं। भार वहन करने का मतलब होता है आप सब देखे होंगे कांधे पर लेकर, जो किसान लेके जाते हैं ना अपने धान वगैरह जो भी काटते हैं, या अगर गांव से कोई है तो उनको समझ में आ सकता है, तो जो शहर में है पता नहीं वो कैसे समझेंगे, लेकिन भार वहन करता है इसी तरह। तो इसी तरह से भगवान अपने भक्तों का जो जरूरत है उसका भार वहन करता है। तो ये भगवान गीता पांडा उनको पत्नी को सुना रहे हैं, बोले देखो भगवान ने बोले हैं भगवान भार वहन करते हैं, तो अगर हमारा जरूरत है निश्चित भगवान आएंगे और मदद करेंगे। स्वाभाविक बात है माता जी बहुत गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर उन्होंने क्या किए, एक पेन लिए लेकर वो जो लाइन है इसमें तीन बार से जोर जोर से उन्होंने काट दिया इस श्लोक को। बोले यह श्लोक ही सब मतलब समस्या की जड़ है, क्योंकि अगर यह श्लोक नहीं रहता तो ना मेरे पति इतना फेनाटिक बन जाते, ना हमारा घर पर ऐसे हम भूखा रहते हैं हम सब। काट दिए, कटने के बाद अभी गीता पांडा भी बेचारा दुखी हो गए, वो सो गए और पत्नी बच्चे लोग भी सो गए, और सोने के बाद अचानक उनके दरवाजा पर खटखटने की आवाज आए हैं, तो जोर से कोई नक कर रहा है, और गीता पांडा नहीं उठे और बच्चे लोग भी भूखे हैं सो गए हैं और उठे नहीं, लेकिन पत्नी को नींद नहीं आ रही थी, गीता पांडा की जो पत्नी है, तो वो आई दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के देखे बहुत सुंदर दो बालक है, दो बहुत कम उम्र के लड़का है, एक ब्लैक कम्प्लेक्शन है और एक गोरे है, और दोनों बहुत सारा सामान लेकर आए जो एक घर के घर चलाने के लिए चाहिए। तो पूछे आप दोनों कौन हो, तो बोले हम दोनों मतलब पास वाला गांव में ही रहते हैं, तो हम जो आपका जो पति है गीता पांडा जगन्नाथ मिश्र उनका फ्रेंड की उधारी नकली करते हैं, तो आपका फ्रेंड जो मतलब उनका जो फ्रेंड है उनने ये सारे खाना भेजा है जगन गीता पांडा के लिए, क्योंकि उनको पता है जगन्नाथपुर में बहुत जोर से बारिश हुई है तो इसलिए नहीं जा पाए हैं भिक्षा लेने के लिए, तो इसलिए वो भेजा है। तो पत्नी ब्राह्मण पत्नी जो है अर्जुन मिश्रा की जो पत्नी, वो कहती है ठीक है एक काम करते हैं, हम तो ये सारी चीज रखते हैं और हम कुकिंग करते हैं अभी, उसके बाद भगवान को ऑफर करूंगे, उसके बाद आप लोग प्रसाद लेके जाओ। तो उसमें जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन वाला है वो कहते हैं देखो मैया हमको तो खाने का बड़े इच्छा है और हम खाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या करूं मेरे जीव कट गया है, तो उन्हें जीव निकाल कर दिखाया है, तो सच में देखे उसमें तीन दाग है, तीन बार कोई अगर चाकू से काटता है तो इस तरह से लाल लाल दाग है। तो बोले वो कैसे हुआ है, बोले नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही है कट गया है, तो इसलिए हम खा नहीं पाएंगे, कभी जब अगर ठीक होगा तो आकर हम खाएंगे आपके घर पर प्रसाद लेंगे। तो ऐसे बोलकर चले जाते हैं दोनों बालक। उधर वो रसोई करती है, रसोई करने के बाद भगवान को ऑफर करते हैं, ऑफर करने के बाद ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो ब्राह्मण आते बोलते वेट ए मिनट हमारा जो भंडारा में तो कुछ भी नहीं था, ये सारी चीज तुमको कहाँ से मिले। बोले कि कहाँ से मिले, मतलब आपका दोस्त है ना पास वाला गाँव में रहते। बोले मेरे दोस्त भिखारी के दोस्त कहाँ रहेगा, अगर भिखारी के दोस्त भी होगा तो दूसरा भिखारी होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना वो मुकेश अंबानी होगा है क्या नहीं, तो ऐसा तो नहीं है, भिखारी के दोस्त भिखारी होंगे तो उसके पास इतना कैसे होगा, और उनको जाना सुना जितना दोस्त है वो सारे की अवस्था स्थिति भी ऐसे ही है। तो अर्जुन मिश्र कहते नहीं यार ऐसा मैंने कोई दोस्त नहीं है। तो बोले तो जो आए थे तो ये सारी चीज लेकर देखने में कैसे, बोले दो बालों का आया था, एक गोरे गोरे कलर है और एक ब्लैकिश कम्प्लेक्शन है मतलब काले हैं। और बोले तो तुम उन दोनों को रुके क्यों नहीं है, अगर कुकिंग कर रही हो करने के बाद थोड़ा प्रसाद जब बन जाए तो वो खिला देते, बच्चे लोग इतना दूर से आए हैं। बोले हाँ मैंने पूछी थी। बोले तो क्या बोले उन लोग, बोले जो काले कलर की है वो बोले मैया हमको खाने का तो बड़ी इच्छा है लेकिन क्या हुआ मेरे जीभ पर तीन दाग कट गया है, तीन बार कट गया है, तो इसलिए मैं खा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मेरे को खाने का बहुत इच्छा है, लेकिन अभी कभी और जब आएंगे तब निश्चित खाएंगे आपके घर पर।
तब अर्जुन पांडा रोने लगते हैं और गीता पांडा रोने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ये जो सामान लेकर आए और कोई नहीं है, ये जगन्नाथ और बलदेव जी थे। और क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी ही कृष्ण, जय ही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ, जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु वही जगन्नाथ है, तो भगवत गीता कौन बोले हैं? जगन्नाथ जी बोले हैं। और भगवत गीता की शब्द क्या है? भगवान की अगर कोई शब्द बोलते आप किस किसकी सहाय्य से बोलते हैं? जीवा की, जीव की सहाय्य से बोलते हैं। तो अगर कोई आपका शब्दों को काट रहा है मतलब क्या है? आपका जीव काट रहा है। तो इसी तरह से ये जो उनकी पत्नी ने जो काटा है वो भगवान की जीभ पर जाकर बैठ गया है और इसलिए भगवान खा नहीं पा रहे थे। तब उनका पत्नी को भी समझ में आते हैं और दोनों मिलकर भगवान से माफी मांगते हैं। और तब उनका पत्नी भी जाकर ये समझते हैं जो भगवान ने जो बात बताए हैं भगवद गीता में, युगक्षेमं भाम्यहम्, जो मैं मेरे भक्तों का जितना सारी जरूरत की चीज है मैं उसको बहन करता हूँ, ये सच। तो इसी तरह से हम ये लीला से यह समझ सकते हैं जो भगवत गीता की जो बानी है वो भगवान की मुखनिश्रित वाणी है। अगर हम भगवत गीता की बानी की सेवा कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान की सेवा कर रहे हैं, और जो गीता पांडा और जगन्नाथ जी की इस लीला से हम समझ सकते हैं। तो आइए हम भी, अगर हम जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इस जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहे हैं अभी, और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की जो प्रोग्राम से 9 दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर से उल्टा रथ यात्रा होगा, रिटर्न रथ यात्रा जिसको कहते हैं वो होगा, तब तक हम एटलीस्ट जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए भगवद गीता को हर दिन अध्ययन करने का कोशिश करें। हो सके पूरा भगवद गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ श्लोक हम पढ़ सकते हैं, एक दो श्लोक पढ़ सकते हैं, तो इसको हमको करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी निश्चित रूप से हमारा सब पर प्रसन्न होंगे। तो भी होगा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव कवि। हरे कृष्ण। जगद गुरु शिल प्रभुपाद की जय।